वासन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के कहे या फिर सारा जिला कहे क्यों ना कहे, एमएम सुतार वकील का नाम राजनीति में और अपनी वकालत में तो इतना मशहूर हो गए हैं ताकि यहाँ वहाँ पर उनको अगर कोई कार्यक्रम हो या फिर किसी संगठन उद्घाटन हो या कोई भी हो, पहले कोई जानदार या शानदार अगर कुछ बातें करने के लिए अगर गेस्ट बनाते हैं तो एमएम सुतार सीनियर इन वकील को बुलाते हैं, मगर बहुत दिन से अपने कर्तव्य निभाते आए हैं। इससे पहले साथ साथ इन्होंने कांग्रेस के एक जाने माने एक नेता भी, एमएम सुतार एक राजनीति के दाव पेच जानने वाले खेलने वाले एक वक्त में विजयपुर शहर को कांग्रेस का जो जानना जान पहचान किया हुआ भी यही एक हस्ती है, वो है एमएम सुतार। अब तो वहां पर इनका सब चर्चे देखते हुए इन्होंने किसी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अपने ही क्यों ना हो, पराए क्यों ना हो, इनका जो भी कहना है सीधे सीधे खुले आम कह देते हैं ताकि जिसका भी गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। इन्होंने अब तक राजनीति में हो, अपने वकालत में हो, सच्चाई के कदम दिन ब दिन इन्होंने अपने ईमान से बढ़ाते ही गए हैं। कभी इन्होंने अपने कदम पीछे नहीं लिए क्योंकि सच्चाई के साथ साथ इनके ईमान से भी इन्होंने लड़ते आए हैं। इसीलिए आज इनको एक इनको इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा प्रशस्ति के लिए आज इनको बुलाया गया है ताकि इसलिए बहुत सारे गरीब लोगों को जिसके पास पैसे नहीं होते उनके पास बिना पैसे बिना फी के इन्होंने अपने अदालत में इन्होंने मुकदमा लड़े हैं और जीत के भी दिखाए हैं। ऐसे वकीलों ने बहुत सारे वकील होते हैं मगर इन्होंने जितना नाम अपने शोहरत गरीबों के लिए लगाए गए हैं जिसके पास पैसे भी ना हो, इन्होंने खुद अपने पैसों से वकालत करते हैं और कोर्ट में इनकी जीत के लिए पूरी ताकत लगाकर गरीबों की मदद में जुड़े हुए रहते हैं। मगर बद पीछे भी हमने भी सुना है लोगों के लिए बहुत मददगार है, इसीलिए इनको इतनी उम्र की लोग दुआ मांगते हैं ताकि ऐसे वकील रहने से, ऐसे गरीबों के दाता रहने से और गरीब गरीब नहीं होता, क्योंकि जब गरीब की मदद करने वाले ऐसे जो बड़े सीनियर वकील होते हैं तो अब गरीब कहाँ रह जाता है, क्योंकि बेसहारों का सहारा वही होता है जो ऐसों को ऊपर वाले ने भेजते हैं। तो इसीलिए इनको बहुत सारे लोग दुआ भी करते हैं, इसीलिए बहुत सारे संगठन यहाँ वहाँ पर इनको बुलाया जाता है। उसी तरह इनको अवार्ड भी देने के लिए मांग रखकर आज यही कहते हैं। अब उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे ताकि एमएम सुतार वकील का क्या कहना है, देखेंगे एक रिपोर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इसी सैटरडे यानी कि 9th डेट को आपके लिए कंदल हनुमंतराय रंग मंदिर में एक सुनहरे प्यारे गीतों का रंगारंग कार्यक्रम रखा है हमारे एमएम सुतार सर ने। और हाँ, पूछिए ये कार्यक्रम किस खुशी में है, ये कार्यक्रम है हमारे एमएम सुतार सर ने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है गरीब और लाचार लोगों को निशुल्क, बोले तो फ्री न्याय दिलाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए हम सभी लोग मिलेंगे कंदल हनुमंतराय रंग मंदिर में, इनको बधाई देंगे और सुनहरे प्यारे गीतों का आनंद उठाएंगे। नमस्ते। इसी शनिचार यानी कि 9th डेट को समता साहित्य प्रतिष्ठान से महान कवि, महान पोएट, शायर, इसी सैटरडे समता साहित्य प्रतिष्ठान इस ऑर्गेनाइजेशन से फना सर जो कि बहुत बड़े शायर है वो देंगे अवार्ड हमारे एमएम सुतार सर को। तो आइए हम सब जन मिलके इनको बधाई देंगे। प्रोग्राम कंदल हनुमंतराय रंग मंदिर में शाम ठीक 5:30 बजे शुरू होगा। सबसे पहले होगा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और फिर थोड़े देर के बाद सर को, फन्ना सर इनको अवार्ड देंगे, उसके बाद फिर से कार्यक्रम आगे रखा जाएगा। अवार्ड फंक्शन है, अवार्ड गिविंग फंक्शन। सिंगर हमारे अल्ताफ जी जिनको वॉइस ऑफ मुकेश कहते हैं, फिर झाकिर होनुड़गी सर,
इस फंक्शन में रहेंगे सिंगर्स, बोले तो हमारे बीजापुर के ही सिंगर्स जो कि बहुत अच्छा गाते हैं और सभी लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया है। हमारे ग्रुप के सभी अच्छे सिंगर्स रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें वैसे कोई नहीं है, सब हमारे बीजापुर के अच्छे सिंगर्स है। नहीं नहीं, ये देखो कोई भी प्रोग्राम रहने दो, मैं बीजापुर के सिंगर्स को मौका देती हूँ क्योंकि प्रोग्राम बीजापुर को बीजापुर का रहता है, तो बीजापुर के लोग रहना ही चाहिए, अच्छे अच्छे सिंगर्स उसमें। भले ही बाहर के कोई भी हम लोग अच्छे अच्छे मीन्स प्रोफेशनल लोगों को बुलाते हैं, साथ में हमारे बीजापुर के रहते ही है हमेशा। मैं बोलती हूँ सभी लोग आइए इस सैटरडे कनगर हनुमंत राय रंग मंदिर 9 तारीख को हमारे MM सुतार सर को बधाई देने के लिए और प्रोग्राम का आनंद उठाने के लिए। नमस्ते। जैसा कि कविता मैडम ने बताया कि इसी महीने की 9 तारीख को कंगल हनुमंत राय हॉल में मुझे अवार्ड गिविंग फंक्शन हो रहा है और मुझे अवार्ड दिया जा रहा है जो कि प्रतिभा प्रतिष्ठान की तरफ से है, समता प्रतिभा प्रतिष्ठान की तरफ से। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप सारे लोग वहां पर आएं और मुझे हौसला अफजाई करें, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें और आगे चलकर मुझे किसी तरह से लोगों को इंसाफ दिलाने में आप मदद करेंगे। ये कहते मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। ये अवार्ड जो है, पिछले 50 सालों से मैं वकालत कर रहा हूँ, आपको ये जानकर बहुत ही खुशी महसूस होगी और ताज्जुब भी होगा कि कई हजार केस मैंने फ्री किए हैं, फ्री लीगल एड के तौर पर। इसी तरह से आज मैं जो भी वकालत कर रहा हूँ, ये गरीबों की दुआ है जिसके लिए मैंने रात दिन काम किया है और इंसाफ दिलाया, और आज भी लोगों को मैं इंसाफ दिला रहा हूँ, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रोग्राम हो रहा है कंगल हनुमंत राय इसी 9 तारीख को शाम के 5:30 बजे। पहले जैसे कि कविता मैडम ने बताया, पहले प्रोग्राम होगा उनका म्यूजिकल नाइट का, फिर थोड़ी देर में हमारा फंक्शन होगा, अवार्ड गिविंग फंक्शन, फिर और भी प्रोग्राम होंगे कविता मैडम की जानिब से। ये अवार्ड दे रहे हैं समता साहित्य परिषद नेपाल से। हाँ, नेपाल वाले आएंगे और उसके डायरेक्टर हैं इंडिया में फना बोल के, जो नेशनल लेवल के पोएट हैं, वो भी वहाँ के डायरेक्टर हैं, और नेपाल से भी लोग आएंगे, सभी मिलकर अवार्ड मुझे दे रहे हैं। प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सभी लोगों को मैंने इनवाइट करने की कोशिश की और सबको मैं बुला रहा हूँ। हो सकता है 1000 होंगे, 800 होंगे, 1500 तक भी जा सकता है। MM सुतार, एडवोकेट, बीजापुर।